जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से ते लोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सिद्धार्थ कमेटी व मेरी सहपाठी विशिका यादव आज आप सभी के समक्ष रामनवमी के इस अवसर पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु हर युग में अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेते हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का और माता लक्ष्मी ने सीता का अवतार लिया था। जिस दिन श्री हरि ने राजा दशरथ के घर माता कौशल्या की कोख में जन्म लिया था उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने कभी भी स्त्री और पुरुष में और समाज में व्याप्त ऊंच नीच में भेद नहीं करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण में लगाया। अब मैं श्री राम के चरित्र से सीखने योग्य कुछ बातें बताऊंगा। पहला, सबसे समान व्यवहार रखना। श्री राम ने चाहे मनुष्य जैसे शबरी, केवट या विभीषण हो, या पशु जैसे सुग्रीव, जामवंत या जटायु हो, सबसे समान व्यवहार रखा। दूसरा, श्री राम खुद एक आदर्श व्यक्ति बने। दैवीय शक्ति प्राप्त होते हुए भी श्री राम आम व्यक्ति की जीवन जिए तथा बुराई पर अच्छाई की जीत करे। तीसरा, सहनशील व धैर्यवान। अयोध्या का राजा होते हुए भी श्री राम ने सन्यासी की तरह अपना जीवन यापन किया। चौथा, मित्रता। श्री राम ने हर रिश्ते को अपने दिल से निभाया। केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज हो या विभीषण, सभी मित्रों के लिए उन्होंने स्वयं कई बार संकट झेले। अब मैं अपने शब्दों पर विराम देना चाहूँगा। हर्ष पंत सब जन तन नगर